लेकिन अब इंस्टाग्राम पे कंगना ने जो एक फोटो डाल दिया है, इससे पूरा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम बौखला गया है। पूरा उसके यूट्यूबर्स फोटो लेकर के अब नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी, अब नहीं छोड़ेगी कांग्रेस। अब ये फोटो इंस्टाग्राम पे आज की तारीख में सबसे ज्यादा देखा गया है। इसमें त्रिपुंड भी लगे हुए है, स्कल टोपी भी पहने हुए है और वो क्रॉस भी लगाए हुए है। और कंगना ने लिखा है जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है। ये वही कंगना है जिसे उद्धव ठाकरे की सरकार ने वहां पर कह दिया था, उखाड़ दिया। आपको याद होगा सामना में फ्रंट पे छका था, उखाड़ दिया। उसके बाद किसका क्या उखड़ा लोगों ने देखा। अब इस तस्वीर के बाद भी आपने कल उस दिन तीन दिन चार दिन पहले कहा था कि इसकी हिम्मत नहीं, कंगना कह रही है कि ड्रग्स लेता है। इस तस्वीर पे चमचे तो बौखला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में चुप्पी बहुत जबरदस्त है। मैं मनीष जी बहुत बढ़िया आपने तस्वीर मेरी निगाह में नहीं आई थी। मैं इसकी व्याख्या करे दे रहा हूँ कि ये बड़ा मजेदार खेल चल रहा है कि पहले कंगना ने खुलकर नाम लिया तो उस दिन मैंने बताया था कि क्यों ये राहुल गांधी ना मानहानि का मुकदमा करेगा ना कोई कांग्रेसी करेगा। तो ये अब लगता है कि वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस इकोसिस्टम से इसी की भाषा में इसको जवाब मिलेगा कि कंगना रानौत और राहुल गांधी एक बड़े गजब की मनी जी कुश्ती चल रही है। कंगना रानौत उसको पकड़ पकड़ के अखाड़े में लाने की कोशिश कर रही है, हाथ छुड़ा के भाग रहा है। पहले हाथ पकड़ के घसीटा, अब गर्दन पकड़े गिरे बांध पकड़ के घसीट रही कि और लड़ो, ये जरा पहुंचे तो कंगना से मुकदमेबाजी शुरू तो करे। निश्चित तौर पर कुछ बड़े खुलासे इसका इंतजार कर रहे हैं। ये चमचे तो लेट डूबेंगे इस राहुल गांधी को। और इस फोटो में ऐसा है क्या, इस फोटो में ऐसा कौन सा बड़ा आपत्तिजनक है, लेकिन ये जरा आए और कंगना रानौत भी गजब का साहस का परिचय दे रही कि लगातार इसको जैसे जब एक आदमी भाग रहा अखाड़े से और उसको खींच के ला रही कि आओ अखाड़े में जरा कुश्ती हमारी तुम्हारी हो ही जाए। तो ये बहुत बढ़िया है, देखे कब तक भागेगा राहुल गांधी। ये बहुत बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि इस पे तो मानहानि भी नहीं कर सकते हो। ऐसे इस तस्वीर के खिलाफ लोग कंगना को कहते हैं ना कि उसके फिल्मों की कुछ तस्वीरें दिखा करके अर्धनग्न तस्वीर दे करके उसका चरित्र हनन कर रहे हैं कंगना रनावत का, कि तुम्हारा तो चरित्र ही ऐसा है। भाई वो एक्ट्रेस है, उसने फिल्मों में रोल किया है, तो उसकी तस्वीर उछाल रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता इस तस्वीर को लेकर विरोध नहीं कर रहा है। चमचे बेलचे सोशल मीडिया पर सनसनीबाजों का टीम, वो पारा भी आ गया कि मेरे बाप को ऐसे क्यों दिखा रहा है भाई, इसमें क्या है। तो अच्छी बात है, तो सेकुलर तस्वीर है सर। ने कांग्रेस अच्छे से जान रही है कि ये खेल क्या है, कांग्रेस अच्छे से जान रही है कि इसको जो है अखाड़े में बुलाया जा रहा है और अखाड़े में तैयारी कुछ दूसरी है। तो ये भाग रहा अखाड़े से, ये इतनी कहानी है। अभी अगर ये नहीं आया इसमें तो अभी कुछ तीसरा आइटम आएगा, इसको अखाड़े में लाके ही मानेगी सरकार। और इसीलिए कंगना रनावत, मुझे अब कई बार अब तो लग रहा है शायद कि कंगना को सांसद इसीलिए बनाया गया है, और इसी कोई सामान्य जगह से वो जीत करके नहीं आई है, महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल जगह से वो जीत करके आई है, जहां से महाराष्ट्र की सत्ता हिमाचल की मंडी से जीत कर आई। और मंडी समझ ही लीजिए, हराया भी किसको है, वहां के राजकुमार को हराया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये फर्क महाराष्ट्र की उसकी कर्म भूमि है, और महाराष्ट्र में उसने क्रांति की, इसलिए महाराष्ट्र का नाम आ गया था मंडी से। तो बार बार जो इशारा हमने दो वीडियो विश्लेषण इसी लिहाज से किया, ये मनीष जी वही किस्सा कर रही कंगना रनौत। जैसे क्लास में नहीं होता कोई शरारती लड़का होता है, वो बैठे बैठे टीप मार देता है और वो पीछे आदमी पलटा तो वो चुपचाप बैठा फिर टीप मारी। तो कंगना रनौत लगातार टीप मार रही है और ये सत्ती मिट्टी गुम है कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये अच्छे से कांग्रेसी, देखिए कांग्रेसी बड़े खुराफाती रहे 70 साल इन्होंने किया है, तो इनको मालूम है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहा है और इस प्रयोग में निपट जाएगा राजकुमार। ये है खेल इस वोटों का। नहीं, आपने टीप मारने का उदाहरण दिया तो मुझे याद आता है, देखिए मतलब कहते हैं ना कि उसी स्टाइल में गांव में जब सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा जब हुआ करता था तो उचक्के टाइप जो बच्चे होते थे उन्हें उसमें मतलब ध्यान नहीं होता था कि सत्यनारायण कथा चल रहा है, अब घंटे भर का कथा चलेगा। तो गांव का कुछ ऐसा सज्जन उस टाइप का जो बच्चा होता था, मारा कान पे खींच करके, उसके बाद इसने मारा उसने मारा, हो मतलब ये खेल चल रहा होता है। तो अभी कभी कंगना रनावत, कभी संबित पात्रा, कभी ठाकुर साहब, अलग अलग तरीके से यही किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ये मान चुकी हुई है कि न्यूसेंस क्रिएट करने वालों को आप शालीनता से नहीं निपट सकते। बस और खास करके इस हार में जो झटका न्यूसेंस क्रिएट करने से हुआ है,
तो न्यूसेंस क्रिएट करने वालों के लिए का जवाब इसी ढंग से हो रहा है। और मुझे लग रहा है, और देखिए मुझे तो लग रहा है सर कि हम लोग जिस ढंग से विश्लेषण किया, इसकी फॉलो कॉपी किया सनसनीवाजों ने, कि क्या जानबूझ करके कुछ मोदी समर्थक यूट्यूबर ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब सनसनीवाज की नजर जबरदस्त है। सनसनीवाज कह रहा है कि मोदी समर्थक कुछ यूट्यूब चैनल, और इस तरह हम लोगों के अलावा किसी ने इस इशू को उठाया, किसी ने नहीं कहा था। ये तो घर पढ़ा लिखा नहीं आप बताते, ये तो सोच ही नहीं सकता, तो खबर के पीछे खबर देखने के लिए अकल चाहिए। इसमें कहा है कि क्या जानबूझकर कंगना रनावत को उतारा गया, ठीक वही जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है। इसका मतलब है कि फोटोकॉपी की जा रही है, तो इसका मतलब है कि चेलो चपाटों को लग रहा है कि हाँ हमारे आका को ऐसे निपटाना है। आज अगर देख रहा हूँ सनसनी बात तो बता दूं, मैंने कहा ना कि उसको टीप मार रही कंगना रनौत की औजर अखाड़े में, और वो भाग रहा है कुछ हिम्मत, कुछ उसको खिलाओ पिलाओ, घी भी पिलाओ, देखो आता है कि नहीं।